अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चस्का चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार सा नाश्ता, हेल्दी नाश्ता जो टी टाइम में भी इस्तेमाल हो सकता है और सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। एक तरह से कॉन्टिनेंटल है, यानी कि है मसाला फ्रेंच टोस्ट और वो भी चीज़ और मार्जरीन के साथ। और इसको हमने दो तरीके से तैयार किया है, जिसमें से ये मैंने लिए हैं, ये मैंने बनाए हरी मिर्चों के साथ और ये लाल मिर्चों के साथ। तो चलें हम शुरू करते हैं हमारी रेसिपीज़ को बनाना। तो सबसे पहले हम बनाते हैं हरी मिर्चों वाले फ्रेंच टोस्ट। हमारे चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे हरे मसाले के फ्रेंच टोस्ट बनाना, जिसके लिए लिए हैं मैंने दो अंडे, वैसे तो फ्रेंच टोस्ट का जो तस्वर होता है उसमें यही होता है कि मीठे होते हैं, लेकिन आप इसको ज़रा वेरिएशन दें। आधा कप मैंने, आधी प्याली मैंने दूध की ली है, इसमें थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाला है कुतरा हुआ और हरी मिर्चें हैं और नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें कि आप हल्का खाते हैं, तेज़ खाते हैं, जिस हिसाब से। और मिर्चें भी जो आपने खानी है वो अपनी टेस्ट के हिसाब से रखें। मैंने नॉर्मल रखी है, जो एक नॉर्मल होती है, तो मैं अच्छी तरीके से बीट कर लूँगी। पैन में मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था पैन को, और मैं इसको ग्रीसिंग करूँगी उसकी। नॉन स्टिक का एक एडवांटेज ये होता है कि इसमें हमें ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं बहुत कम इस्तेमाल होता है। मैंने घी का इस्तेमाल किया है। अगर आप वेट कॉन्शियस हैं या कैलोरी कॉन्शियस हैं तो आप इसमें ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको, मैंने स्लाइस कटिंग की थी, कॉर्नर कटिंग की थी इनकी, अब मैं इसको डिप कर करके फ्राई करती जाऊँगी। आप साथ साथ रहें वीडियो के आगे। मैंने इसके साथ और भी एडिशन करनी है फ्राई करके इसको। इस तरह हम हमारे सारे टोस्ट को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे सारे टोस्ट फ्राई हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो डार्क ब्राउन रखें चाहे लाइट ब्राउन रखें, वो आपकी अपनी चॉइस है। और अब इसके ऊपर मैं लगाती हूँ मार्जरीन, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप मार्जरीन लगाना चाहें मार्जरीन लगाएं, मक्खन लगाना चाहें मक्खन लगाएं। ये फुल आपका हेल्दी नाश्ता होगा, फुल अच्छा मील होगा। और इंशाल्लाह बनाइए, खाइए, बच्चों को भी पसंद आएगा, बड़ों को भी पसंद आएगा। इस तरह से आप लगा लगे इनको, ज़रा मेल्ट होने में टाइम ले रहा है क्योंकि मार्जरीन ज़रा जल्दी स्मेल्ट नहीं होता है, बटर होता है वो फ़ौरन मेल्ट हो जाता है। हालांकि हमारी टोस्ट गर्म है लेकिन फिर भी ये मेल्ट होने में टाइम ले रहा है। आप इसको फिर इस तरह से डबल कर करके रखते जाएं। इस तरह हमारा अपने सारे सैंडविच रेडी कर लेंगे मार्जरीन लगा लगा कर। चले हम शुरू करते हैं हमारे दूसरे फ्रेंच टोस्ट, जो के हैं मसाला टोस्ट और विदाउट वेजिटेबल के लिए, जिसके लिए मैंने इसके लिए भी दो अंडे ही लिए हैं। बंदा बाज़ दफ़ा मीठा खा के उतार जाता है तो दिल होता है कि थोड़ा सा चटपटा सा तीखा सा खाए। तो इंशाल्लाह आपको ये दोनों टोस्ट आप फ्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये दोनों टेस्ट टोस्ट की रेसिपी आप लोगों को पसंद ही आएगी। अब मैं क्या करती हूँ, ये मैंने आधी प्याली दूध के लिए मैं नमक और मिर्च इसी में ही डाल लूँगी, क्योंकि अंडे में डालूँगी तो मैं ये गुठलियाँ इसकी बन जाएंगी, इसके लम्ब्स बन जाएंगे। तो इसको पहले मैं इसमें मिक्स कर लूँगी दूध में और फिर मैं इसको इसमें मिक्स करूँगी। अगर मैं डायरेक्ट उसको जो सॉल्ट है नमक है वो तो उसमें मेल्ट हो जाता, लेकिन उसने जो हमारी चिली थी रेड सुर्ख मिर्चें थी उसने लम्ब्स बना लेने थे। अब इसको हमने इसको मिक्स कर लिया है, इसको हम अच्छी तरह से करके इसको हम फ्राई करते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर इसमें भी आप धनिया पुदीना वगैरह डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसको हम स्नैक टाइम में, बाद काम के टाइम पे, चाय के तौर पे भी, चाय के साथ अगर लोगों अक्सर लोगों नाश्ते की आदत होती है तो उसके साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं बना के। और आजकल तो वैसे भी मानसून का सीज़न है तो ज़रा दिल होता है कि शाम में चाय के साथ कुछ चटपटी सी फ्राई वाली चीज़ें हों। इसको हम ऑयलिंग करेंगे। मैंने घी इस्तेमाल किया है, आपकी अपनी चॉइस है, आप ऑयल यूज़ करना चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ करें।
अब इसको मैं डिप कर करके फ्राई करती जाऊंगी। और इसका भी एडिशन मैंने रखा है, वो मैं इनको फ्राई करके बताऊंगी कि इसमें जिस तरह हमने उसमें हमने मार्जरीन का किया था एडिशन, तो इसमें मैं कुछ और एडिशन करूंगी। आप एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि हमने इसमें क्या एडिशन किया था। अब मैं इसी तरह से अपने सारे ये वाले भी स्लाइसेस रेड स्लाइसेस डिप कर करके फ्राई करती जाऊँगी। ये देखें हमारे ये भी रेड चिली वाले भी सारे रेडी हो चुके हैं। अब इसको मैं करती हूँ जो ये सिंपल प्लेन चीज स्लाइसेस हैं वो आप ऐड करें, ये आपकी ऑप्शनल चॉइस है कि अगर आप करना चाहें तो इनको भी आप कर सकते हैं। और ये बहुत ही बच्चों के लिए हेल्दी नाश्ता होगा क्योंकि बच्चे आजकल इतना कुछ ज़्यादा ना बीफ खाते हैं ना चिकन खाना पसंद करते हैं ना मिन्स खाना पसंद करते हैं, तो आप इस तरह से बना के दें तो बहुत ही अच्छा हेल्दी मील होगा। बनाइए खाइए और हमें फीडबैक देना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोज अपलोड होते ही आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।